नमस्कार, मैं जगत श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIII जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव्स द्वारा संकलित एक मनोरंजक नैतिक नवाचार को आपको विस्तार से बताएंगे। मैं इस वीडियो में बेहतर उपस्थिति के नए प्रयोग से संबंधित दादरा नगर हवेली के शिक्षकों द्वारा विकसित एक नवाचार जिसका नाम है जोड़ी बनाओ रोज विद्यालय आओ के बारे में बताऊंगा। देखिए, जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी प्रकार से जिसे छात्र रोज विद्यालय में आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की वृद्धि करता है। तो इसी आधार पर यह विद्यालय में क्रियान्वित किया गया। देखिए, और एक चीज़ और जो हमारे विद्यालय में देखने वाली है कि हम सभी जानते हैं कि हमारी क्लास में भले ही 10 बच्चे हो या 50 बच्चे हो, पर जो कुछ बच्चों की जो घनिष्ठ मित्रता होती है वो 2 से 4 बच्चों की होती है। तो इसी आधार पर शिक्षक ने अपने विद्यालय में एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया और सभी छात्रों से बोला कि यह प्रतिस्पर्धा एक समूह में होगी। आप सभी को 2 से 4 बच्चों के समूह में बांट दिया जाएगा और इस समूह में ये देखा जाएगा कि आप में से कितने ऐसे समूह हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय में आते हैं और अपने साथी मित्रों को भी अपने साथ लाते हैं, और जो समूह सबसे ज़्यादा विद्यालय में आएगा उस समूह को सम्मानित पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसी आधार पर यह प्रतिस्पर्धा रखी गई और जो वो समूह बनाए गए उस समूह में यह भी ध्यान रखा गया कि उसमें कम से कम एक होशियार बच्चा हो जो सभी उन बच्चों का ध्यान रख सके और उनके आने और ना आने, उपस्थिति और अनुपस्थिति का ध्यान और उसका कारण जान सके। और यदि वह बच्चा इतना भी कर सकता है कि उसे लगता है कि यह कारण सही नहीं है तो वो उनके घर जाकर भी पता लगाए कि क्या कारण है कि आज राजू या सोनू विद्यालय में नहीं आया है। इसी प्रकार से देखिए, इसके जो परिणाम है उसे आने में थोड़ा समय जरूर लगता है, पर इसके परिणाम बहुत ही सार्थक और उत्साहजनक होते हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करिएगा। हम कुछ ऐसे ही दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।